अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अनदर जीरो मीटर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर से होंगे, मजे से होंगे, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। और आज का जो मैं व्लॉग बनाने जा रहा हूँ, इस व्लॉग में ये है कि जी हमारी 15 अप्रैल को थी हमारी निकाह की एनिवर्सरी, और हमारी निकाह की एनिवर्सरी को 7-8 साल हो गए हैं, माशाल्लाह से अल्लाह का शुक्र है। और मजे की बात यह है कि हम दोनों मियां भी भूल गए हुए थे कि हमारी एनिवर्सरी भी है। अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोग बैठे हुए थे, बात हो रही थी, वहां से याद आया कि जी हमारी तो एनिवर्सरी थी। अब बेगम ने भी मुझे याद नहीं करवाया, उसको पता था, शायद उसको नहीं पता था, वो भूल गई थी। अब उन्होंने मेरे से बना लिया है, मुंह बना लिया और मूड ऑफ करके नाराज होकर बैठ गई है वो। अब मुझे लग गई है टेंशन कि मैं अपनी बेगम को कैसे मनाऊं। एक तो मैंने क्या उनको सब प्रैंक किया, उनको टीज करने वाला, वो मुश्किलों से मैं उनको मनाया, और अब आज ये प्रॉब्लम हो गई कि जी मैं अपनी निकाह की एनिवर्सरी ही भूल गया। तो मैं सोच रहा हूँ कि अब उनको कहीं लेके जाऊं, उनका मूड ठीक करूं, उनको मनाऊं। और मैं चाह रहा हूं कि हम जो अपने इस मोमेंट को सेलिब्रेट करें और थोड़ा सा एंजॉय करें, और उनको चलते हैं, उनको उनको मनाते हैं और उनसे भी पूछते हैं कि उन्होंने हमें क्यों नहीं बताया। चलो जी चलो। हेलो, क्या कर रहे हो भाई जनम? अच्छा जी, तो हम अपनी अम्मा से पूछते हैं कि जी अम्मा जी ने हमें क्यों नहीं याद कराया, और उनको भी शायद याद नहीं था। अम्मा जी कल क्या था? वालेकुम सलाम। कल 15 अप्रैल। और 15 अप्रैल को क्या हुआ था? 15 अप्रैल को तो कुछ भी नहीं हुआ था। आपको अपने बेटे का निकाह भूल गया? हाउ कैन यू डू दिस? बस करिए, आपको अपने बेटे का निकाह नहीं याद रहा, बाकी सब कुछ याद रहता है आपको। हाँ जी, आपको कल खुद नहीं याद तो हमें कैसे रह सकता है? किसने कहा आपको याद? मैं तो देखा था कि आपको याद होता ही होता। आप विश करती भी नहीं, विश करती वेरी बैड। हमें आपने विश नहीं किया, हमें मैं भी भूल गया था, आप भी भूल गई थी, और पता नहीं मावरा भूली की नहीं भूली, मावरा ने मैसेज जिक्र नहीं किया। आपको खुद नहीं याद तो हमें कैसे रहता है? तो वैसे भी बूढ़े हो रहे हैं। मैं बूढ़े हो गए इसका मतलब क्या? याद ना रहा आपको? वेरी बैड यार, वेरी बैड। अच्छा जी बेगम जी, कुछ साथ कुछ मुंह मिठा कराए, कुछ कोई कुतरी दे, कुछ अच्छी चीज करे, मुंह मीठा करें ना। अम्मा ने तरबूज फिटल खा रही हम लोगों को। व्हाट आर यू डूइंग? फ्राइज बना रही हूँ। चलो आप फ्राइज बनाऊंगा, आप क्या बना रही हैं? आलू अंडे। आलू अंडे। अच्छा मेरी बात सुने, यहाँ देखे आप क्या हुआ, आपने तैयार नहीं हुई, मैं तो शक्ल नहीं दिखा रही हैं आप। हाँ जी। हैं? हाँ जी। तो क्या आपका मैं बैग से शॉर्ट सर लेता हूँ खाली में आपका? हैं? अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने कल क्यों नहीं बताया कि जी हमारी एनिवर्सरी थी, और आपने भी चेक कर रही थी कि आपको कब याद आता है। आपने भी विश नहीं किया और मैंने भी आपको विश नहीं किया है, तो आपने इससे नाराज रहना मेरे से पता है। मैं बस नोट कर रहा हूँ कि आप कुछ नाराज नाराज थी, सीरियस बात नहीं कर रही थी। अभी इतनी मुश्किलों से मैंने कल आपको मनाया और अब आप फिर आज नाराज हो गई हैं। तो भी क्या करेंगे, काम शाम छोड़े चले, अम्मा कर लेंगे, रिजा कर लेंगी, इसको छोड़े हम चलते हैं बाहर और सेलिब्रेट करके आते हैं। हैं? कहाँ पे? मैं लेके चलता हूँ ना आपको कहीं ना चाहिए, किसी से जाऊँ लेके जाता हूँ आपको, मैं कुछ ऐसा खाना खिलाता हूँ। आप ये जो अपना आलू बना रहे हैं, ये आलू खाएं, ये आलू आलू खाएं बस। हम चलते हैं, उठे छोड़े इसको चलाएं, तैयार हो। क्या 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 भाई, निकाह हमारा हुआ था, शादी हमारी हुई थी, खुशी हमारी है, तो हम सेलिब्रेट ना करें? खुशी बांटो हमारे साथ, तो हमने किया था निकाह, हमने शादी, वो कर दिया आपने, कर दिया बस। अब क्या, अब हो गया, अब हमारा मौका, अब हम एंजॉय करेंगे। चले चले छोड़ दो, बस कर दें आप इसको, आप बहुत ढीढ़ हो जाती हैं, सुन दिया करें, एक बात सुना करें। आई एम योर मिजाजी खुदा, खावन जो है आपका मिजाजी खुदा होता है, तो खावन की मिजाजी खुदा की एक बात सुनते हैं, समझाई? चले छोड़े इसको, बस बंद करें इसको, बाकी रिजा देख लेगी। जल्दी तैयार हो और चल के फिर निकलते हैं हम लोग। चलो जी तैयार होते हैं चल के, और फिर तैयार होने के बाद फिर इनको कहीं लेके जाते हैं। A few inches later. चलो यार इतना टाइम है, जल्दी तैयार हो जाए, आप लेट हो रहे हैं हम लोग। ये क्या तुम रो रही हो? है आप रो रही है? आपको याद जो नहीं रहा इसलिए रो रही हूं। यार बस कर दो प्लीज, रोना बस कर दो, क्या हो गया? मैं आप लेंस लगा रही थी। लो बेशुमार बता रहा हूँ, आपने मेरा ट्राई निकाल से ट्राई किया आपने, क्या आप इतना रो रही हैं आप? अच्छा हमको सिखा रिया है। चले जी कपड़े निकालते हैं और चेंज करके तैयार होके चलते हैं फिर। लो जी मैं तो हो गया हूँ तैयार, लेकिन अभी तक बेगम जो है तैयार ही नहीं हुई, पता इतना टाइम क्यों लगाती हैं ये औरतें, ये लेडीज जो हैं। चलो यार बस कर दो, आज रेस्टोरेंट बंद हो जाएंगे हमारा सारे, अब कितना तैयार होने आपने? और बस आ गई, बस उस वक्त से आप बस आगे बस आगे बस आगे आगे लगी हुई है। यहाँ देखे जरा, यहाँ देखे, अभी आ रही हूँ। व्हाट इज दिस?
1 hour later. आज बस करो मारा लो जी फाइनली आप तैयार होके आ गई माशाल्लाह माशाल्लाह वाह जी वाह माय वाइफ सो ब्यूटीफुल वेरी ब्यूटीफुल गुड सही लग रही हूँ जबरदस्त गुड हो गया भाई गुड हो गया अब आप तो शुगर ठोकरा बाहर ले चले गया मुझे बहुत भूख लग रही है चल पड़ो बस कर दो आपसे ज्यादा मुझे भूख लग रही है चलें चलते हैं और मैडम को लेके चलते हैं इनको अच्छा सा डिनर कराते हैं डिनर कहाँ कराएंगे ये बार हम जाएंगे इधर हाईवे के ऊपर ट्रकों वाले होटल होते हैं ढाबे होते हैं जो वहाँ जाके आपको बैठा के जिस ढाबे से ना आपको मैं दाल मांस फ्राई खिलाऊंगा साथ हरी मिर्ची रायता और कड़क तंदूरी रोटी ओके हो गया मैं ओके ओके चलें जल्दी आए बैठ लिया चलिए अंदर जाओ गो इनसाइड ले जी मैं और मेरी बेगम और ये छोटे शाह साहब जो है हमारे ये हमारे साथ जा रहे हैं बाकी किरत जोहा और जो है फायज जैनब जी घर पे ही हैं क्योंकि किरत जोहा ने बस स्कूल जाना है और फायज जैनब छोटी हमें डिस्टर्ब करेगी इसलिए मैं मावरा और ये छोटे शाह साहब जी हमारे बगैर रहते नहीं है तो हम लोग जा रहे हैं नहीं जी मुझे कौन चीज मिली अपनी बेगम के लिए मैं चाह रहा हूँ वो भी ले लें हम लोग यार ये दो दो गुजरे थे यार अच्छे से जरा ये हुई ना बात अब आप लग रही है ना और मजीद प्यारी 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 तो वैसे आप हैं ही हैं लेकिन अब आप और मजीद प्यारी लग रही हैं क्या कर रहे हैं यार तू मजाक है क्या ले जी हम आ गए हैं मौरा की फेवरेट जगह पे चलो चले जी आप फटाफट ऑर्डर कर दे ताकि हम लोग ऑर्डर करें और जल्दी खाना है भूख लगी मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही बिल्कुल भी यार आपसे ज्यादा भूख लगी अच्छा जल्दी करें जल्दी ऑर्डर दें क्या ऑर्डर करना है आप जल्दी करें ऑर्डर कोई पेरी वाइट्स और कोई ब्रेड कर लेते हैं करो 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 अ फ्यू इंचेस लेटर ले जी पेरी वाइट्स तो आ गई हैं मैं तो ये खाने लगा हूं अब हमारा आपने खाने के नहीं खाने हैं अपने ऊपर उठाओ और खाई जाओ फटाफट मजेदार A few inches later. ले जी हमारा मेन कोर्स भी आ गया अब हम अपना मेन कोर्स शुरू करते हैं और अपनी पार्टी एंजॉय करते हैं मेरा तो अभी तक जो है खत्म नहीं हुआ और अली ने फुल चिकन था आधे से ज्यादा तो अली ने खाया है प्लीज बस कर दो कम से कम आज उसे नजर ना लगाओ यार मुझे अच्छा जी चले खाएं खाएं 1 hour later. मैं तो अपना खा रही है मावरा का अभी तक फिनिश नहीं हुआ अभी तो खा ही जा रहा हूँ आज यहाँ जल्दी जल्दी खाओ आप जो की मैंने सरप्राइज भी रखा हुआ है यहाँ बहुत शोर है यहाँ पे फिर मैं यहाँ देख लूंगा नहीं आपको गाड़ी में बैठ के सरप्राइज दूंगा आपको बस आप जल्दी खाना खाया तो चलते मजा आ गया आपको खाई देता हूँ बस जल्दी खाए आप पहला टीका लग गया है मुझे एनिवर्सरी का खैर पहला तो नहीं है एक सरप्राइज और भी है मैं यहाँ नहीं दूंगा यहाँ पे बहुत रश है और लोग मुझे अच्छे से देख रहे हैं हम पागलों को जरा वीडियो बना रहे हैं और यहाँ पे शोर भी बहुत ज्यादा आ रहा है तो इसलिए मैं वो सरप्राइज जो है आपको घर जाके या रास्ते में गाड़ी में आपको सरप्राइज दूंगा बाय द वे ये पहला नहीं है ये कौन सा टीका है ये कितने साल हो गए हमारी शादी को 7-8 साल हो गए हमारी शादी 7-8 साल 7 के 8 गिनना पड़ेगा मुझे 7-8 साल हो गए हैं ये 7-8 साल में ये चला साल का बड़ा टीका है खाना खाना खा ली हमें चलते हैं और उनको जाके सरप्राइज देते हैं ज्यादा ओवर नहीं हो रही है हाँ घर जाकर तरबूज खा लेंगे पहली बार अच्छी और अक्ल की और सियानी बात की है उन्होंने चलो जी मैडम जो है अपनी एनिवर्सरी का डिनर करके आप मेरे साथ घर के लिए रवाना होने लगी हैं और हम घर जाते हैं और जाके फिर इनको तरबूज का मीठा खिलाते हैं अच्छा जी तो कल हमने प्रैंक किया था मावरा जिसमें टीज किया था तो उसके बाद में मावरा को रात को डिनर के लिए लेके नहीं जा सका क्योंकि बच्चे बहुत तंग कर रहे थे और उन्होंने बहुत लेट हो गया था सुबह स्कूल जाना था तभी उन्होंने सोना था तभी हम लोग नहीं जा सके तो उसका फिर हम लोगों ने आज जो है वो हिसाब बराबर कर दिया मैंने मावरा को आज डिनर करवा दिया उसकी एनिवर्सरी का उसका डिनर वैसे अलग बनता था और इसका डिनर अलग बनता था बाय द वे बेटा आप ना शुक्रिया बने आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आपको मैंने आज डिनर करवा दिया है यूट्यूब फैमिली बंदा आजकल की महंगाई देख के अपना अपनी जेब देख के अपना काम करता है ना ये तो मैडम इनको वो इनका वो साफ हो गया कि इनको मैंने एक उंगली पकड़ाई है इन्होंने पूरा हाथ खींच लिया मेरा वो रुको जरा सबर करो रुको जरा आपके लिए मैंने एक और गिफ्ट लिया हुआ है मुझे पता था कि कल मैंने इससे गलती हो गई मैंने आपको एनिवर्सरी विश नहीं किया और इसलिए मैंने आज जाके मैंने जो मैं कर सकता था मैंने आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट लिया है तो उम्मीद है आपको गिफ्ट पसंद आएगा और वो जो होगी कोई नहीं जी नहीं टॉफी आपको लगता है मैं आपको टॉफी दूंगा मैं आपको टॉफी नहीं मैं आपको लॉलीपॉप दूंगा बेटा लॉलीपॉप
वहाँ रेस्टोरेंट में देना था, मैंने वहाँ एक्सीडेंट दिया, वहाँ बहुत शोर आ रहा था और वहाँ पे लोग यूं देखी जा रहे थे, पता नहीं कैसे कि मैं कोई साथ में सामान से उठ के आया हूँ, किसी दूसरी दुनिया से आया हूँ, तो वो इसलिए मुझे वो हैरत से देख रहे थे कि ये क्या पागलों को इतना वीडियो बनाई जा रहा है, चपले मारी जा रहा है, तो इसलिए मैंने वहाँ पे नहीं दी। तो अभी मैं इनको यहाँ पे इनको मैं वो गाड़ी में देता हूँ गिफ्ट। चलो जी मैं यहाँ पे दो मिनट गाड़ी रोकता हूँ और यहाँ पे फिर इनको मैं वो गिफ्ट देता हूँ मैं। अच्छा जी, क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज, आंखें बंद करें। छोटी बच्ची हूँ, क्लोज करवाइज, आप दे दें से। मैंने आपको कहा, पहले भी कहा कि आई एम योर मिजाजी खुदा, सो प्लीज मेरा हुक्म माने आप, यू शुड ओबे माय ऑर्डर, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, मेरा ऑर्डर। चलो आईज क्लोज करें, आप आईज क्लोज करें पहले, आईज क्लोज, नहीं तो मैं नहीं दूंगा फिर मैं। आईज क्लोज, मामा मामा के आईज पे हाथ रखो, करके सही था, बंद करो, झपकिया ना मारो, मोहम्मद का भी हाथ रखवा दिया यार। हाँ चुप करो। अच्छा जी ये ले जी, आईज खोले, टन टन, ओपन इट, ये मैंने आपके लिए छोटा सा एक गिफ्ट लिया है, डायमंड के छोटे से इयररिंग्स हैं और साथ एक उसका वो पेंडेंट है, तो उसको आप चेन में डाल के आप पहन लीजिएगा। थैंक यू सो मच। हैं, थैंक्स अ लॉट, नाइस, वेरी नाइस, बस बहुत अच्छे, और क्या कर, थैंक यू सो मच। आपने कुछ अच्छा एक्सप्रेशन ही नहीं दिया आगे से यार, ठीक है यार, आपको कुछ पसंद, तो अब और क्या एक्सप्रेशन दूं, बहुत अच्छा है, थैंक यू, बस बस। तो चलो जी, हम आज का अपना ये 0 मीटर व्लॉग करते हैं यहाँ पर एंड, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद आया होगा, हमारे लिए दुआ करिएगा, अल्लाह मियां इस तरह हम दोनों को साथ रखे हमेशा और खुश रखे और बुरी नजरों से दूर रखे, और बुरी नजरों से तो हाँ आमीन। वो अलग बात है कि जो 15 अप्रैल की जो डेट थी 15 अप्रैल 2016 में मैं जो था वो इनके साथ फंस गया था, और मेरा मेरे पे अल्लाह ने कोई बहुत खास कर्म कर दिया था, मैं इस तरह नहीं कहूँगा, और कि उन्होंने मुझे इनके साथ जो है वो इनके साथ वो मैं कह रहा था कि ये वो मैं तो बहरहाल जो भी हुआ, अल्लाह ने अच्छा किया, अल्लाह ने अच्छे फैसले, जोड़े जो है वो आसमानों में बनते हैं, आपको तो पता ना जोड़े आसमानों में बनते हैं, और चलो अच्छा हुआ तुम भूल गए, ठीक है जी। तो चले जी, हम अपना यहाँ व्लॉग एंड करते हैं, हमारे लिए नहीं आवाज नहीं, प्रॉपर गाना सुनाऊंगा फिर उसको सुनाऊंगा, वो प्रॉपर रिकॉर्ड करके कॉन्सर्ट करेंगे। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। तो चलिए अपना व्लॉग करते हैं यहाँ पे एंड, और जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो अभी फौरन जल्दी जल्दी फौरन सब्सक्राइब कर रहे हैं, हाँ मेहरबानी, अल्लाह का वास्ता, खुदा का वास्ता, तनु 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 मौला नबी का वास्ता, तनु अल्लाह रसूल का वास्ता, तनु खुदा का वास्ता, प्लीज हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दें, इसको शेयर कर दें, फैला दें और वायरल कर दें, और क्या नाम है अपना, और क्या नाम है अपना, अपना नाम तो ली हुसैन, अपना नाम मेरा, और मैं ये कह रहा था कि हमें टिकटॉक, इंस्टाग्राम और फेसबुक सब तरफ फॉलो कर लीजिएगा, और मिलते हैं सोन अपने अगले नेक्स्ट व्लॉग में, टन टन, बाय बाय, टाटा, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।